क्वेश्चन किया था कि क्या मैं रमजान में वीडियो बनाऊंगी, तो वो आप पर डिपेंड करता है कि आप रमजान में वीडियो देखते हैं या नहीं। अगर आप नहीं देखेंगे तो मैं बनाकर ही क्या करूंगी, तो मुझे आप कमेंट करके बताना कि आप देखोगे या नहीं, उसी हिसाब से मैं बनाऊंगी, नहीं तो नहीं बनाऊंगी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। बोगम तेरको की शादी में जाता है, लेकिन जब वहाँ से लौटता है तो बहुत फ्रस्ट्रेशन में घर पहुँचता है और सामान को तोड़ने लगता है। वो मेरी केक को फिर से टच करेगा, वो मेरी केक के साथ फिर से वही सब करेगा, वो मेरी है, सिर्फ मेरी। बोगम पागलों की तरह चिल्लाता है, लीजा सारी आवाजें सुन लेती है और वो बोगम के रूम में जाती है। वो देखती है कि रूम में सारा सामान टूटा हुआ पड़ा है। बोगम रुक जाओ। नहीं, गेट आउट। बोगम कहां लीजा की सुनने वाला था, बोगम तो पागलों की तरह बिहेव कर रहा था और सारा सामान को तोड़ रहा था। बोगम स्टॉप इट, तुम पागल हो गए हो। हाँ, मैं पागल हो गया हूँ। उसने मेरी केक से शादी कर ली, वो मेरी केक के साथ बैग भी शेयर करेगा, फिर भी मैं कुछ नहीं कर सकता। बोगम रियलिटी देखो, केक तुम्हारी नहीं है और ना ही कभी तुम्हारी हो सकती है। वो जंगकुक से प्यार करती है, सो प्लीज अब उन्हें अकेला छोड़ दो। लीजा बस बात कर रही होती है कि सडनली बोगम लीजा के थप्पड़ मारता है। लीजा अपना हाथ गाल पे रखती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की केक मेरी नहीं है? अगर तुमने ये दोबारा कहा तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, वो सिर्फ मेरी है, समझी? इतना कहकर बोगम वहाँ से चला जाता है। लीजा बेचारी वहाँ बैठ जाती है और बहुत रोती है। पे तो हम डेट पे चलेंगे। ओके कुकी। ओके देन, अब मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मुझे एक प्रोजेक्ट लेना है, ये हमारी कंपनी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अपना ध्यान रखना, कहीं तुम्हें चोट ना लग जाए। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ। लेकिन तुम अभी भी मेरे लिए मेरी बेबी हो। आह, ये चीजी लाइंस तुमने कहाँ से सीखी है? क्यों, तुम्हें पसंद नहीं है? ओह माय गॉड, अभी तुम जाओ। मैं जब भी रोमांटिक होने की कोशिश करता हूँ तो मुझे हमेशा पुश क्यों करती हो? जब गो सो कोल्ड। तभी ते जंगकुक के होठों पे एक किस करती है। बाय बेबी, एक और प्लीज। अब जाओ, नहीं तो तुम लेट हो जाओगे। ठीक है, लेकिन आज रात मैं तुम्हें मुझे रिजेक्ट करने के लिए बख्शूंगा नहीं। बाय बेबी। उसके बाद जंगकुक चला जाता है। दिस परवर्ड, लगता है गॉड ने दुनिया का सबसे बेशरम हस्बैंड मुझे दिया है। क्या वो आ गए? यस सर, वो मीटिंग रूम में है। ओके सो लेट्स गो। जंगकुक मीटिंग रूम में जाता है और वहाँ बोगम भी होता है। बोगम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है और ये यही वो है जिसने मुझे तुम्हारी कंपनी का सजेशन दिया था। क्या? हाँ, और ये ही इस प्रोजेक्ट के मेजर शेयर होल्ड करेगा। जंगकुक कुछ शॉक नहीं सोच रहा था कि बोगम ने उसकी हेल्प क्यों की। जंगकुक और बोगम को छोड़कर सब चले जाते हैं। जंगकुक, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। हाँ, मुझे भी तुमसे बात करनी है, तुमने मेरी हेल्प क्यों की? जंगकुक, तुम्हें मुझ पर यकीन करना चाहिए। भले ही हम पहले प्यार में राइवल थे, इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसे लाइफ टाइम जारी रखें। मेरी वाइफ है और मेरा बच्चा भी पैदा होने वाला है, और अब तो होते की भी शादी हो गई है। मेरा अब उसके लिए कोई बुरा इरादा नहीं है। क्या पहले की तरह हम दोस्त बन सकते हैं? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर तुम मेरी ते से दूर रहोगे तो। मेरी ते? ओके जंगकुक, जैसा कि मैंने कहा, मेरा कोई गलत इरादा नहीं है। उसके बाद दोनों हैंडशेक करते हैं। जंगकुक सोचता है कि बोगम बदल गया है। जंगकुक उसकी बातों को सच मान लेता है क्योंकि बोगम ने एक्टिंग ही ऐसी की थी कि कोई भी धोखा खा ले। उसके बाद जंगकुक वहाँ से चला जाता है। स्टार्टिंग अच्छी हुई, मुझे भी नहीं पता था कि जंगकुक इतनी आसानी से मेरी एक्टिंग पे यकीन कर लेगा। तुम बस वेट करो और फिर देखना कि मैं कैसे तुमसे अपनी केक को वापस लेता हूँ। जंगकुक घर आ जाता है और ते उसे रिसीव करने के लिए बिग बॉक्सी स्माइल के साथ आती है। ते बेबी, आ गई तुम कुकी? हाँ ते ते, चलो तो फिर डिनर करते हैं। ओके ते, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। ओके कुकी। बेबी। हाँ? तुम मेरे
मेरी नहाने में हेल्प क्यों नहीं कर देती? विश्रम कुकी, जस्ट गो एंड अपनी हेल्प खुद करो। हाँ, मेरी तेल मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती। आह कुकी, क्यूट एक्टिंग करना बंद करो। तो फिर मेरे साथ चलो। ओके। ये लेट्स गो। उसके बाद जंगकुक टी को उठाकर रूम में ले जाता है और बाथटब में एक रोमांटिक बात एंजॉय करते हैं। उसके बाद रोमांटिक डिनर करते हैं, फिर जाकर सो जाते हैं। नॉटी आर्मी, आपने सोचा कि कुछ और भी करेंगे? आपको भी मेरे जितना इनोसेंट बनना चाहिए। टेकुक अपनी हुई डेट पर जाने के लिए रेडी होते हैं। बेबी, आर यू रेडी? ओके, सो लेट्स गो। ओके। लेकिन उसी टाइम जंगकुक के पास एक कॉल आती है और वो कॉल बोगम की होती है। जंगकुक, कहाँ हो तुम? घर पे। और हाँ, आज मैं ऑफिस नहीं आऊँगा, आज मैं ते के साथ डेट पे जा रहा हूँ। क्या? हाँ। तुम डेट पे जाओगी? हाँ, मैं इसे बर्बाद कर दूँगा। बोगम, क्या हुआ, तुम आंसर क्यों नहीं दे रहे? जंगकुक, मुझे लगता है कि तुम्हें आज ऑफिस आना चाहिए। क्या, लेकिन क्यों? क्योंकि आज हमारे क्लाइंट आ रहे हैं, हमें एक मीटिंग अटेंड करनी है। क्या हम इसे पोस्टपोन नहीं कर सकते? नहीं, हम नहीं कर सकते। ओके, मैं आ रहा हूँ। मैं तुम दोनों को अकेला नहीं छोड़ने वाला। तुम्हारे सुनहरे दिन खत्म होने वाले हैं जंगकुक। यार आदमी, आप लोग सोच रहे होंगे कि आज मेरी वीडियो में इतना सन्नाटा क्यों है, क्योंकि मैं ये वीडियो सुबह के 4 बजे बना रही हूँ। सब सो रहे हैं, इसलिए सन्नाटा बहुत है। तो डर मत जाना भाई। बेबी, मुझे अभी ऑफिस जाना होगा। क्या हुआ कुकी? मुझे आज एक मीटिंग में जाना है। सॉरी पे, आज हम डेट पर नहीं जा सकते। कुकी प्लीज, सैड मत हो, मैं समझ सकती हूँ। अब तुम ऑफिस जाओ, हम किसी और दिन डेट पे जाएंगे, ओके? थैंक यू देव, आई प्रॉमिस यू, मैं डेफिनेटली तुम्हें किसी और दिन डेट पर लेके जाऊंगा। ओके कुकी। उसके बाद जंगकुक टी के माथे पे किस करता है और ऑफिस के लिए चला जाता है। लेकिन उस दिन के बाद से टी को कभी डेट पर नहीं जा पाए। एक्चुअली उनको कभी चांस ही नहीं मिला। जंगकुक अपने काम में बहुत बिजी रहने लगा, लेकिन टी उसे समझती थी। इनफैक्ट बोगम ने ही जंगकुक को ज़्यादा काम डाल दिया था। लेकिन जंगकुक को ज़रा भी अंदाजा नहीं था कि बोगम जो भी करता है। लेकिन टेकुक फिर भी एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे और उनको थोड़ा ही सही, लेकिन जितना भी टाइम मिलता वो एक दूसरे के साथ स्पेंड करते। बोगम भी समझ गया कि उसका प्लान काम नहीं कर रहा, इसलिए वो दूसरी प्लानिंग के साथ आया और ये सबसे घटिया प्लान था। बोगम अपने कैबिन में होता है और जंगकुक को भी उससे कोई काम होता है तो वो उसके कैबिन में जाता है। जंगकुक बिना नॉक किए बोगम के कैबिन में आ जाता है और जंगकुक देखता है कि बोगम एक लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा था और एक उसे किस कर रही थी। वो लोग थ्रीसम कर रहे थे। यार आर्मी, मुझे ना इंटीमेट वर्ड ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं वो वर्ड बोलना पसंद करती हूँ। आपको कौन सा वर्ड पसंद है? बोगम, ये तुम ऑफिस में क्या कर रहे हो? खुद, मैं अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ। बोगम, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। तुम तब क्या करोगे जब लीजा को इसके बारे में पता चलेगा? तुम उसे धोखा दे रहे हो। उसे कभी पता नहीं चलेगा और ना ही मैं उसे कभी पता चलने दूंगा। आई कैन मैनेज। व्हाटएवर, मुझे इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करनी है। हाँ, लेकिन क्या तुम यहाँ रुक सकते हो? मैं पहले अपना काम पूरा कर लूँ। नहीं। हे कूल ब्रो, तब तक तुम इस लड़की से मजे क्यों नहीं लेते? बोगम उनमें से एक लड़की को जंगकुक के पास जाने के लिए इशारा करता है। हे हैंडसम, कम ऑन, मेरे पास मत आना। वो लड़की जंगकुक की बात नहीं सुनती और उसे कुर्सी पर बिठा देती है और उसकी सिप खोलने की कोशिश करती है और अपना हाथ उसके क्या बोलूँ यार, हाँ, उसके मेन पॉइंट पे टच करती है। जंगकुक मौन करता है। फाइनली ये अपने असली रूप में आ ही गया। लेकिन जंगकुक सडनली अपने होश में आता है और टी का फेस और उसकी इनोसेंट स्माइल जंगकुक के दिमाग में और उसकी आंखों के सामने आ जाती है।
मैंने कहा था ना कि मेरे पास मत आना, यू बिश। जंको कुछ लड़की को पुश कर देता है। आउच, यू। अगर तुमने ऐसा करने की दोबारा कोशिश की तो आई स्वेयर मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। वो लड़की डर जाती है। बोगम भी जंकुक के इस रिएक्शन से शॉक हो जाता है। जो जंकुक ने किया वो बोगम के प्लान के बिल्कुल अपोजिट होता है, क्योंकि बोगम ने सोचा था कि जंकुक कहीं ना कहीं फिसल ही जाएगा। जंकुक, ये तुम क्या कर रहे हो? यू जस्ट शट अप। अगर तुम ये सब करना चाहते हो तो बाहर जाकर करो, मेरे ऑफिस में नहीं। और हाँ, अपनी से कहो कि मुझसे दूर रहें, अगली बार मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं। लेकिन जंकुक, मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसके लिए लॉयल रहना चाहता हूँ। ऐसा फिर दोबारा मत करना बोगम, इसे मेरी लास्ट वार्निंग समझना। हाँ ओके। जंकुक बहुत गुस्से में होता है और बोगम पर चिल्लाता है, उसके बाद कैबिन से चला जाता है। बोगम जंकुक को ऐसा देखकर डर जाता है। बेबी फॉरगेट अबाउट इट, लेट्स कंटिन्यू। यहाँ से दफा हो जाओ नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। वो दोनों लड़कियां डर कर वहां से चली जाती हैं। आह, ये प्लान भी फेल हो गया। मुझे नहीं पता था कि जंकुक इतना स्ट्रांग निकलेगा, वो खुद पे इतना कंट्रोल कर लेगा। लेकिन मैं अभी भी हार नहीं मानूंगा। लेकिन गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि जंकुक इतना स्ट्रांग नहीं है, दे के लिए उसका प्यार स्ट्रांग है। देखते हैं जंकुक कब तक खुद पर कंट्रोल कर पाता है। और हाँ, बोगम उन लड़कियों को अपनी डिजायर के लिए नहीं लाया था, वो तो बस जंकुक को फंसाना चाहता था ताकि वो जंकुक को उन लड़कियों के साथ वो करते टाइम वीडियो रिकॉर्ड कर सके और उसे टेप को दिखा सके। इसलिए उसने उन दोनों लड़कियों को जंकुक को सिड्यूस करने के लिए लाया था। उसके बाद जंकुक घर पहुंचता है और हमेशा की तरह थे जंकुक को एक बॉक्सी स्माइल के साथ वेलकम करती है। कुकी तुम आ गए? लेकिन जंकुक कुछ नहीं कहता, बट टेको सैडली हग करता है, क्योंकि जंकुक को बहुत गिल्टी फील हो रहा था जो भी ऑफिस में हुआ था उसकी वजह से, क्योंकि उसने किसी और लड़की को खुद को टच करने दिया। तो टे हग ब्रेक करती है। कुकी क्या हुआ, ऐसा लग रहा है कि तुम सैड हो। कुछ नहीं बेबी, बस मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था, मुझे तुम्हें थोड़ा सा और हक करने दो। जंकुक टे को इसलिए नहीं बताना चाहता था कि क्योंकि टे परेशान होगी। उसके बाद दोनों हक ब्रेक करते हैं। बेबी आई एम हंग्री। मैंने पहले ही डिनर बना लिया था, आ जाओ साथ में करते हैं। नो बेबी आई एम हंग्री फॉर यू, आई वांट समथिंग हॉट। कुकी तुम हमेशा बेशर्म बने रहते हो। हाँ तो चलो कुछ बेशर्मी वाले काम भी कर लेते हैं। बेबी पहले डिनर कर लेते हैं ना। I want eat you first, उसके बाद डिनर भी कर लेंगे। टे को शर्म आ जाती है और वो ब्लश करती है। जंकुक टे को अपने पास करता है और उसे किस करता है। Let's go baby। जंकुक टे को उठाता है और रूम में ले जाता है। फिर उसके बाद वही होता है जो आप सोच रहे हो। नॉटी आर्मी, आपको लगा कि मैं फिर से बताऊंगी? मैं नहीं बताऊंगी, नो 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 नो। आप खुद इमेजिन कर लो। मैंने पहले भी कहा था ना, इंटरफेयर नहीं करते किसी की पर्सनल मैटर में। आई एम सो सॉरी। ओके सो ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। तो सडनली एक दिन जंकुक को बोगम के साथ बिजनेस ट्रिप के लिए यूएस जाना होता है। बेबी मैं बिजनेस के लिए यूएस जा रहा हूँ, मुझे आने में 1-2 हफ्ते लग जाएंगे। बेबी मत जाओ, मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी। बेबी प्लीज रो मत, अगर तुम सैड होगी तो मैं जा नहीं पाऊंगा। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है कुकी, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। इट्स ओके बेबी, मुझे कुछ नहीं होगा। यू बी केयरफुल, मुझसे जितना जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी मैं काम खत्म करने की कोशिश करूंगा और तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा। ओके तो अब स्माइल करो। एक लाइट सी स्माइल करती है। नहीं नहीं, मुझे अपने टे की एक ब्राइट सी बॉक्सी स्माइल चाहिए। फिर टे एक बॉक्सी स्माइल करती है। आह, दैट्स माय बेबी। उसके बाद जंकुक टे को किस करता है और वहाँ से चला जाता है। टे को डेली कई घंटे फोन पर बात करते और एक दूसरे को बहुत मिस करते। टे ब्रेकफास्ट कर रही होती है तभी उसे कुछ अजीब सा फील होता है और वो वॉमिट करने लगती है। ओके आर्मी, आज के लिए बस इतना ही। मुझे कमेंट करके बताना कि वॉमिट क्यों कर रही थी। आई
नो, मैं इसका आंसर भी जानती हूँ। आपका आंसर सही तो होगा लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। एंड वन मोर थिंग आर्मी की स्टोरी आगे थोड़ी इमोशनल होने वाली है, तो प्लीज मुझे कर्ज मत करना, बैड कमेंट्स मत करना कि यार मरना जीना हंसना रोना खेलना कूदना सब तो चलता ही रहता है। इट्स नेचुरल, इट्स अ फैन फिक्शन, प्लीज डोंट टेक सीरियसली प्लीज। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टाटा, गुड बाय, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू, बी केयरफुल।